नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रू नॉलेज एमपी। चलिए मध्य प्रदेश की सभी बड़ी खबरों पर नज़र डालते हैं। उससे पहले आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। सीएम डॉक्टर मोहन यादव बोले, बुलडोजर कार्रवाई के पक्ष में नहीं, ऐसे कदमों का हम करते हैं विरोध। जी हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एक मीडिया चैनल से चर्चा में बुलडोजर कार्रवाई को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि उन्हें बुलडोजर संस्कृति पसंद नहीं है और वह हमेशा ऐसे कदमों का विरोध करते आए हैं। कई भाजपा शासित राज्यों में आरोपियों की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलाए गए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री यादव ने स्पष्ट किया कि वह इस तरह की कार्रवाइयों का समर्थन नहीं करते हैं। मुख्यमंत्री ने अपने बयान में कहा कि वह बुलडोजर एक्शन के कभी पक्षधर नहीं रहे हैं। उनका मानना है कि ऐसी कार्रवाइयाँ उचित नहीं हैं और वह हमेशा इसे रोकने का प्रयास करते रहे हैं। सीएम डॉक्टर यादव बोले, मंदिर देवालयों में व्यवस्थाएं चाक चौबंद रहे, कलेक्टर्स को दिए निर्देश। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि धार्मिक भावनाओं और परंपराओं के अनुरूप आने वाले नवरात्रि एवं दशहरा पर्व के आयोजन के लिए समुचित प्रबंध किए जाएं। प्रदेश के सभी देवालय एवं मंदिरों में यथा योग्य प्रबंधन करने जिला प्रशासन सक्रियता से कार्य करें। उन्होंने कहा कि इस वर्ष का दशहरा और भी आनंदमयी होगा, क्योंकि अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर की स्थापना के बाद यह पहला दशहरा है। प्रदेश में फिर से शुरू हुआ बारिश का दौर, 7 जिलों में हुई बारिश, अभी तक 14% ज़्यादा बारिश की गई दर्ज। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक बार फिर से एक्टिव हो गया है, जिसके असर से सोमवार को प्रदेश के 7 जिलों में बारिश दर्ज की गई है। धार और खंडवा में 2 इंच बारिश रिकॉर्ड की गई। देवास और उज्जैन में शाम को तेज बारिश हुई। वहीं छिंदवाड़ा, बैतूल और इंदौर में भी हल्की बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में डेंगू मलेरिया से निपटने 4 शहरों में जागरूकता की नई पहल, स्क्रीन में वीडियो करेंगे प्रसारित। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में बढ़ते डेंगू मलेरिया को कंट्रोल करने प्रदेश के 4 शहर यानी भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में स्क्रीन पर वीडियो चलाकर लोगों को जागरूक किया जाएगा। वीडियो सरकारी अधिकारियों के व्हाट्सएप ग्रुपों में भी प्रसारित किया जाएगा। मध्य प्रदेश में अब अधिकारी कर्मचारियों के वेतन से होगी बकाया बिजली बिल की वसूली। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश के मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने अब सरकारी विभागों में पदस्थ अधिकारियों कर्मचारियों से बकाया बिल वसूली अभियान तेज कर दिया है। इसके लिए कंपनी ने अलग अलग विभागों में पदस्थ अधिकारी कर्मचारियों को चिन्हित किया है, जिन पर बिजली बिल के 10,000 रुपये से अधिक बकाया है। इन सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों को 7 दिन के अंदर बिजली बिल बकाया भरना होगा। बिल जमा नहीं होने की स्थिति में इन सभी बकायादारों कर्मचारियों की सूची विभाग प्रमुख और कोषालय को भेजी जा रही है। कंपनी ने कहा है कि बकाया बिजली बिल जमा नहीं करने पर इन बकायादारों को अगले महीने वेतन नहीं मिलेगा। बिजली कंपनी ने पहले चरण में विभिन्न सरकारी कार्यालयों में पदस्थ 500 से ज़्यादा अधिकारी कर्मचारियों को टारगेट किया है, जिन पर बिजली कंपनी का 1 करोड़ रुपये से देख बकाया है। भाजपा के 75 लाख सदस्य हुए पार, 25 सितंबर को हर बूथ पर 100 से अधिक सदस्य बनाने का रखा लक्ष्य। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश भाजपा ने रविवार को एक दिन में 10 लाख सदस्य बनाकर नया कीर्तिमान रचा है दिया है। यह पहला मौका है जब भाजपा ने 24 घंटे में 10 लाख सदस्य बनाए हैं। इसके साथ ही सोमवार को भाजपा ने 75 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य पूरा कर लिया है। सदस्यता अभियान का पहला चरण 25 सितंबर तक चलना है। अब भाजपा ने बुधवार को प्रत्येक बूथ पर 100 सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। इसके साथ ही भाजपा पदाधिकारियों को उम्मीद है कि पार्टी के 1 करोड़ सदस्य पहले चरण में ही पूरे कर लिए जाएंगे।